बेटा रिवीजन के समय आई जस्ट टेल यू कंसेप्ट, आई डू अ फ्यू क्वेश्चंस, नॉट एवरी क्वेश्चन, एंड देन वील प्रोसीड अहेड, ठीक है ना। आज के इसमें अपन लोग तीन चीज़ों का टारगेट रखने वाले हैं, एक है मॉड वाले इसका, फिर एक वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, और एक मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। ये तीनों सिंपल थे, तुम लोगों को इश्यूज वो पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाले में एंड रेसेस वाले में थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ था। रेसेस वो स्टिल फाइन, पाइप्स एंड सिस्टर्न वाले में थोड़ा बहुत लोगों को इशू आ रहा था, यानी वो एक नल खुला है, एक नल बंद है वगैरह, यानी एक नल से पानी निकल रहा वाला, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा अभी पूरा ध्यान यहाँ देंगे। पहले मॉड्यूलस के इसमें आप लोग सिर्फ रिमाइंडर से कंसर्न रहते हो, जो रिमाइंडर रहेगा इट शुड बी जीरो और अ पॉजिटिव नंबर, मतलब इट शुड बी अ होल नंबर बेसिकली, ठीक है। तो 21 mod 2 इज सिंपल, वो तो 1 आ जाएगा, बट व्हेन आई एम डूइंग -8 mod 5, तो -8 mod 5 का मतलब मैं कैसे लिखूंगा, -8 इज 5 into -2 + 2। देखो अगर 5 into -1 कर दोगे आप लोग तो -3 लेके आओगे आप, रिमाइंडर वो अलाउड नहीं है। आपका रिमाइंडर कितना हो चाहिए, हमेशा 0 या पॉजिटिव रहना चाहिए। तो -8 mod 5 कितना हो जाएगा, मेरा +2 होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखो, ये अभी आपको प्रॉपर्टी है नहीं, तो आप सिंपली क्या करोगे, इनको ऐड कर लोगे। 31 mod 12, देखो 31 mod 12 में 24 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे 8 7 का कितना रहा है, 40 56, 56 डिवाइड बाई 6 करके जो भी आएगा सो आएगा। ये देखिए है, तो बेटा मैं 1 था नहीं, -1 था नहीं, -2 था करना पड़ेगा मुझे। जब -2 था करूँगा तो -10 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट होता था ये, जो भी ये माइनस ये करते थे, तो रिमाइंडर मेरा 2 बन जाएगा, -8 माइनस और -10, समझे चीज़ क्या हुआ है बेटा। फिर तेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर तेरा नेगेटिव आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये करेगा तो -5 आएगा, रिमाइंडर तेरा -3 होगा। हाँ बोल। हाँ बेटा 10 मिनट होकर पढ़ाना शुरू करते हुए, बाय बाय बेटा, बाय। हाँ जो तेरा रिमाइंडर जो आ जाएगा पॉजिटिव, अगर करना है तेरे को, अगर तू ओरली दे रहा है आंसर, तो तू 5 के मल्टीपल्स को ऐड करते जब तक पहला पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अब देखो 3 mod 10 3 रह जाएगा, और चलते 12 mod 4 0 हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बेटा देखो, ये पढ़ा के साथ लिखा गया था, ए कॉन्ग्रुएंस बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, जब मैं ए को एन से डिवाइड कर रहा हूँ और बी को भी एन से डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों के रिमाइंडर मेरे सेम रह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल देख लो, 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 30 mod 7, देख लो आप लोग। 16 को भी अगर आप 7 से डिवाइड करें, मॉड तुम्हारा 2 बच रहा है, और 30 को भी डिवाइड करता हूँ, मॉड तुम्हारा 2 बच रहा है सुधीर, ठीक है। तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो 7 या एन, मॉड्यूलो एन होता है यहाँ पे। फिर अब देखो बेटा, अगर ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस माइनस दिस, आपका हमेशा रिमाइंडर 0 बचने वाला है। फिर 7 से डिवाइड करोगे तो देख लो आप लोग, 16 - 30 कितना हो रहा है, -14। -14 को डिवाइड बाय 7 कर, आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब प्रॉपरली डिविजिबल है बाय 7, ठीक है। तो 16 - 30 इज इक्वल्स टू प्रॉपरली डिविजिबल है बाय वो 7, लैम्डा एन कहते 7 n हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर a जो भी है वो a mod b, a कॉन्ग्रुएंट टू b अगर है मेरा फॉर mod n, इसका मतलब ए माइनस बी प्रॉपरली डिविजिबल है बाय एन, तो इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एन हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा क्या रहेगा, मेरा इंटीजर रहेगा, इट कुड हैव बीन 1 2 3 4 5 7 8 9 10 0, -1 -2 -3 -4, इट कुड हैव बीन एनी थिंग। फेयर इनफ है यहाँ तक है, किसी को कोई इशूज? देख पहले तू कोई भी, तू अपने हिसाब से बता, कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट नंबर फॉर मॉड कोई तीसरा चीज का, ठीक है। 16 mod 30 है, 16 कॉन्ग्रुएंट 30 है फॉर मॉड 7, ठीक है। अब ये माइनस ये कर रहा हूँ तो प्रॉपरली डिविजिबल है,
16 माइनस 30 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम 7 हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा एक इंटीजर आने वाला है। तो ये चीज़ अगर मैं ए और बी के टर्म्स देखूँगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन अगर है मेरा, तो ए माइनस बी के लिए लैम्डा एन हो जाएगी, जहाँ पे लैम्डा मेरा कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब 1, 2, 3, 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 इवन 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखे फेयर है। अब गाइस कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो सर, यहाँ पे ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन अगर है, तो ये ए माइनस बी इक्वल टू लैम्डा एन हो जाता था, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी मेरी, कोई भी इंटीजर हो सकती थी। तो एक्स की वैल्यू बेसिकली 12 प्लस 5 लैम्डा हो जा रहा है मेरा, 5 लैम्डा प्लस कहते हो जो भी बोला आप लोग, 12 भी, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा आंसर हो गया है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, फेयर इनफ है। या अगर आपको चाहिए तो आप कुछ एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो रही थी तो ये 12 बन जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो ये बनेगा 17, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 अगर हो रही थी तो ये बन जाएगा 7, लैम्डा की वैल्यू 2 हो रही थी तो बन जाएगा 22, माइनस 2 अगर हो रही थी बन जाएगा 2, 3 हो रही थी तो 27, ये माइनस 3, ये ऐसा कर करके आप लोग के ये आंसर का सेट बन सकता है ये एक्स का। तीन चार लिखना ख़त्म, या तो मैं तो ऐसे ही छोड़ूँ, ये इसमें बिल्कुल छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। समझा जी क्या हुआ है गाइस, 12 मिनट। नेक्स्ट वन गाइस, 147 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 फॉर मॉड m, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 147 माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा m, ठीक है। 144 इज इक्वल टू लैम्डा m, मतलब बेसिकली 144 डिविजिबल था m से, कौन से नंबर 144 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसके डिवाइजर्स लिखने पड़ेंगे मुझे, तो 1 छोड़ के बचे पूरे के पूरे मुझे डिवाइजर्स के लिखने पड़ेंगे। तो 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, ये पूरा निकाल लेंगे बेसिकली। हाँ यस, ये क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे भी हो। अब देखो 1 नहीं रहता बच्चा लोग, इसकी वैल्यू m की वैल्यू कैन नॉट बी 1, जो मॉड्यूलो n रहता है उसमें n की वैल्यू कैन नॉट बी 1, ठीक है, मैं बताया नहीं था आप लोगों को। अब देखिए गाइस, ये समय पे क्या है, 144 तो हो ही रहा है, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 72 आ जाएगा तुम्हारा, 3 से कर रहे हो तो 48 आ रहा है, 4 से कर रहे हो 36 आ रहा है, 5 से नहीं होगा 6 से हो रहा है, यस 6 से अगर करो तो 24 हो रहा है, यस 7 से नहीं हो रहा है, 8 से हो रहा है क्या, हाँ 8 से अगर करो तो 16 आ रहा है, 18 सॉरी हाँ 9 से करो तो 154 6 ये आ रहा है, और बच्चे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये 12 भी हो रहा है, यस 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 12 × 12 ख़त्म, ठीक है। तो ये सब की सब m की पॉसिबल वैल्यूज़ है, फेयर इनफ है। नेक्स्ट बच्चा लोग, एग्जांपल नंबर 4 सिमिलर पैटर्न का ही है, ये जाएगा 39 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 लैम्डा, ठीक है। हाँ रिति बोलो बेटा, बेटा उन्होंने शायद से मिस किया है, 16 होगा बच्चा, वो गलती से मिस किया हुआ है बच्चा, यहाँ पे का 16 में से और कौन सा मिस है, तू बोल रही बच्चा 48, वो गलती से मिस हुआ है बेटा, ठीक है ना। क्या बच्चा वैसा नहीं है, ए मॉड ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन अगर है तो ए माइनस बी इक्वल टू लैम्डा एन हो जाएगा। हाँ तो देखो ये 39 माइनस एक्स इक्वल टू 7 लैम्डा हो जाएगा, इधर उधर करूँगा तो एक्स की हो जाएगी 39 माइनस 7 लैम्डा, ठीक है। फिर आप लोग लैम्डा की वैल्यू डाल के आंसर्स निकाल सकते हो, अगर आपको सेट ऑफ चाहिए, या फिर आप लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इसको आना चाहिए बड़े लिखना, ये लिख सकते हो तुम लोग डाल के ऐसा अभी ये, हाँ ये देखो ये सेट बिल्डर हो गया, ये रोस्टर फॉर्मेट हो गया, ये ऐसे नहीं छोड़ सकते आप तुम लोग नहीं। तो x सच दैट x की फॉर्मूला जो भी हो रहा है 39 माइनस 7 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज व्हाट इंटीजर हो रहा है, ख़त्म। 5 वगैरह लिख देना। चलिए अब गाइस, अब देखो ये पार्ट तुमको कोई काम का है नहीं, बस ये ध्यान रख लो, अगर टिक माना है कुछ क्वेश्चन आ गया
तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तुम लोगों को लास्ट ईयर शायद से था नहीं था मुझे नहीं पता है था, अभी क्या रट के चल जाओ, ये सब कोई काम में नहीं आने वाला तुम लोगों कुछ क्वेश्चन में। अब ये देखो इक्विवेलेंस सेट, अब ये देखो ये क्या होता है ना, ये कट गया है क्या, एक्सरसाइज नहीं कराया ना, तो एक्सरसाइज तो चेंज हुई नहीं मेरे भाई, तुम्हारे को अरिथमेटिक फंक्शन नहीं है तुम लोगों को, ये तुम लोगों को है देख ले, बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर। अब देखो आगे भैया, अब देखो मेरा अगर मान लो 7 mod 3 है, ठीक है 7 mod 3 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो और हर एक वो नंबर जिसका मॉड 3 तुम्हारा 1 आने वाला है उसका एक क्लास बना लेते हैं अपन लोग। तो कौन से आने वाले, 1 आने वाला है, 4 आने वाला है, 11 आने वाला है, नहीं 10 आने वाला है सॉरी, 13 आने वाला है, नेगेटिव में देखा जाए तो -2 आने वाला है, -5 आने वाले हैं ऐसे। तो ये जो पूरा का जो क्लास बन जाएगा इसको इसका कॉन्ग्रुएंट क्लास बोलते हैं, ये इक्विवेलेंस क्लास बोला जाता है। तो देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये 7 mod 3 जो लिखा था, तो देखो ये 7 mod 3 का कॉन्ग्रुएंस क्लास, मैं अगर हर एक एलिमेंट का नाम है बी दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं लिखता हूँ 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो 3, तो 7 - b इज इक्वल्स टू और कहते हैं λ 3 λ, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 - 3 λ हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ रूल, ये हो जाएगा मेरा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स b सच दैट b इज इक्वल टू 7 - 3 λ, वेर लामडा बिलोंग्स टू वॉट इंटीजर्स। पिछला ये है यार, ये तुम लोगों को उसने सेकेंड एलिमेंट खुद से निकाल लो पूरे बोल रहा है, समझे चीज क्या हुई है। अभी अगर नहीं समझ में आएंगे तो पूछ लेना पापी हो। अब देखो जैसे कि इसका इक्विवेलेंस क्लास निकलना है 3 mod 5 का, तुम लोग क्या करोगे, पहले मान लोगे इक्विवेलेंस क्लास में तुम्हारे एलिमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, बी होने वाले हैं, या कुछ भी मान लो तुमको एक्स मानना है एक्स मान लेते चलो, तो 3 congruent to x मॉड 5 हो जाएगा बच्चा तुम्हारे लिए, जिससे हो जाएगा 3 - x = 5 λ, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 5 λ। तुम्हारा जो कॉन्ग्रुएंस क्लास जो रहेगा वो क्लास का नाम मान लो कैपिटल एक्स लिखा है अभी के लिए, ठीक है ना, सेट जो रहता है अपना कैपिटल में जाता है, एलिमेंट सबसे स्मॉल होता है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 - 5 λ, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू व्हाट, कोई भी इंटीजर। समझा भाई लोग, एक बेट क्या नहीं, 3 mod 5 3 जो होता बेटा, हाँ यू कैन नॉट गो फॉर नेगेटिव नंबर एंड योर मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ एक है अंशवीर क्या, सर 3 mod 5 sorry 5 mod 3 2 ऐसा लिखा तो नहीं बेटा, 3 divided by 5 करना मेरे भाई तू। हाँ बोल, कौन सा ब्रैकेट डालो बेटा, ये ये देख, तूने ये फॉर्मूला यहाँ तक बना लिया था तेरा, ये समझा तुझे। अब सेट्स तेरे को याद है, कुछ तो भी पढ़े थे अपन ने, सेट लिखने के दो तरीके थे बेटा, एक था रोस्टर फॉर्मेट, उसमें ऐसे 1, 3, 5, 7 ऐसे करके लिख लेते थे अपन एलिमेंट, और एक दूसरा आता था जिसमें एक्स सच दैट फिर फॉर्मूला लिखते थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख रहा हूँ कि मेरा जो सेट बनने वाला है उसका हर एक एलिमेंट मेरा एक्स है सच दैट एक्स की वैल्यू जो भी फॉर्मूला था मेरा वो। अब ये फॉर्मूले में मेरे को ये याद रखना है कि लैम्डा इज एन इंटीजर, वो यहाँ पे लिख दिया है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अब ये सेट का नाम कुछ भी दे दे, तू ए सेट दे दे कुछ मे बी, या तो कैपिटल एक्स सेट दे दे, ठीक है। अब आगे देखे बच्चा लोग, अब देखो करेंटली 8 बजे है, 500 घंटे बाद कितने बजेंगे, तो आप 12 से मॉड करोगे या 24 से डिवाइड करोगे, 24 कितने AM स्पेसिफिकली लिखा है, ठीक है। तो हम लोगों ने 500 mod 24 पहले निकाल दिया, तो उसकी वैल्यू कुछ तो भी आ रही है बच्चा लोग 4 के बराबर, ठीक है, आई सब 4 नहीं आ रही सॉरी,
20 के बराबर आ रही है, सॉरी, ठीक है। मतलब यहाँ से मेरे 20 घंटे बढ़ने वाले हैं, 12 घंटे जैसे ही बढ़े तो वो 8 PM हो गया, 12 घंटे पे ही हो गया, 4 घंटे बाद वो 12 AM हो गया है, और 4 घंटे बाद वो 4 AM हो चुका है, तो 500 घंटे के बाद में वो इतना होने वाला है। अब कहीं से कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, हाँ 24 × 20 इज़ वॉट, 480 + 20, तो रिमाइंडर तेरा 20 रहता। हाँ, अगर उसने AM PM नहीं होता, 12 से कर लिया होता मैंने फट से, बस। हाँ, 4 बजे है, बता तेरे 600 घंटे बाद कितने बजेंगे, तो तेरे 3 बज रहे होगा, तो दोपहर के रात के फ़र्क नहीं पड़ेगा, और देखो फ़र्क पड़वाएगा वो, हमेशा देगा ही वो, ठीक है ना। अब देखो अच्छा लोग, आपकी पहली प्रॉपर्टी ये देख लीजिए बेटा, कि अगर मान लो मेरा क्या था, एक ना, ए मॉड बी इज इक्वल्स टू ए प्लस के बी टाइम्स मॉड बी। मतलब अगर ए मॉड बी की जो भी वैल्यू है, मैं ए में के टाइम्स बी इंक्रीज भी कर दूंगा, तो भी मेरा मॉड उसका सेम ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो प्रॉपर्टी को। देखो ए मॉड बी, देखो ये 8 mod 3 कितना हो रहा है बच्चा लोग, मेरा 2 आ रहा है। अब के की वैल्यू उसने क्या बोली है मुझे, ए मॉड बी, ये LHS हो गया है मेरा। RHS क्या है, ए प्लस 5 × b mod 3, 23 mod 3, इज दैट स्टिल 2, हो गया वेरीफाई तुम्हारा। अब देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, ए प्लस बी मॉड एन इज ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन। बेटा इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, तो दोनों में अगर सेम नंबर भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो भी उनका मॉड सेम रहेगा। अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को मैं ऐसा ऐड करके ये चीज़ भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, देन माइनस ए इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बी फॉर मॉड एन। अब देखो ये तुम्हारे को ये आ गया है, कुछ नहीं, पहले इसका मॉड 12 निकाल लो, फिर इसका मॉड 12 निकाल लो। देखो ये कैसा हो जाएगा, 486 mod 12 प्लस 729 mod 12, ये कितना हो जाएगा वैसे देखा जाएगा मेरा, तो ये 6 हो जाएगा। 6 को क्या मैं लिखता हूँ, 6 mod 12 जैसा भी, 6 है 6 mod 12। ये 729 को आप डिवाइड करो तो दिख रहा है मुझे 9 mod 12 होते हुए, मैं नीचे से आंसर छाप रहा हूँ, मेरे को इतना ओरली फास्ट नहीं आता है, ठीक है। अब देखो ये 6 mod 12 प्लस 9 mod 12 को मैं लिखता हूँ 6 + 9 mod 12, 15 mod 12 विच इज 3, 3 mod 12 जिसका वैल्यू 3 हो जाएगा। क्या, अच्छा कॉन्ग्रुएंट, अच्छा फॉर ऑल, फॉर ऑल तेरे बुक में भी लिखा है, तेरी बुक मेरे पास है, तेरी बुक में तूने लिखा है पेन से, मेरे पास है तेरी बुक। देखो अभी ये व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3, कुछ नहीं, पहले तो ये मॉड 3 हुआ था, फिर प्रॉपर्टी लगाई तो देखो 672 mod 3 की वैल्यू आ रही है 0, इनकी सबकी ऐसी आ रही है, तो 672 की जगह लिख सकता हूँ 0 mod 3, 541 की जगह पर कह सकता हूँ 1 mod 3, 383 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ 2 mod 3, 295 की जगह लिख सकता हूँ 1 mod 3, और 101 की जगह लिख सकता हूँ 2 mod 3, और 86 जगह 2 mod 3। अब देखो जो मॉड 3 था वो एक साथ आ जाएगा, बच्चे सब कुछ एक ब्रैकेट में जाएगा, 0 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8 mod 3, 8 mod 3 इज 2। अब देखो गाइस ये मल्टीप्लिकेशन वाले भी वैसे ही चलते हैं, ए इंटू बी मॉड एन इज ए मॉड एन इंटू बी मॉड एन। अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है फॉर मॉड एन, दोनों में आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो भी उनका मॉड सेम रहने वाला है। अगर ए ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन, तो ए इंटू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी इंटू डी मॉड एन, दोनों इक्वेशन तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर पाओगे उस पैटर्न पर, mod 7 mod 7 वाला, ये वाला भी mod 5 mod 5 वाला खुद से कर पाओगे जैसा आपने पिछले वाले में देखा था, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स अगर बोला है तो मेरे को बेसिकली इसका mod 100 निकालना है। अब आप mod 100 निकालना जानते हो, ये लास्ट 3 डिजिट बोलता mod 1000 करता था मैं, सिर्फ लास्ट डिजिट बोलता था mod 10 करता था मैं। देख अगर सिर्फ लास्ट डिजिट बोलता था मान ले,
वैसे यहाँ पे तो दिख ही रहा है 5 हो रहा है बट चल। तो तू क्या करता था, ये मॉड 10, ये मॉड 10, मतलब 45 मॉड 10 हो जाता तेरा, यानी 5 आंसर आ गया था। बट वो तो तेरे को वैसे ही पता रहता है तू ये इंटू ये करे तो आंसर आता है, तो टू डिजिट वाला दे रहे हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू है? श्योर? एक है, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स है, तो मॉड 1000 करोगे आप लोग। फोर्टी फाइव मॉड 100 इंटू 89 मॉड 100, फिर 45 इंटू 89 देखो करना पड़ेगा, फिर जो भी आंसर आएगा डैट मॉड 100 तेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस देखो ये यहाँ से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं। आपको 3 की पावर 16 मॉड 4 निकालना है। अब थोड़ा सा ना इसमें तुमको दिमाग लाना पड़ेगा। पहले उसके लिए एक्सपोनेंट देख लो, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है, तो ए रेस टू समथिंग विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू बी रेस टू द सेम थिंग मॉड एन। तो देखो मेरा 3:16 मॉड 4 निकालना है मुझे। ठीक है, तो मैं पहले इसको इग्नोर मार रहा हूँ। मैंने निकाला 3 स्क्वायर मॉड 4 कितना होता है वैसे, 1 हो जाता है, मतलब 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। अब मैं दोनों साइड पे रेस टू 8 कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ, 3 स्क्वायर के लिए 9 होती है, 9 मॉड 4 1 हो जाता है, मॉड 4 3 रेस टू 16 इज इक्वल टू 1 रेस टू 8 इन दिस 1 मॉड 4। अगर दोनों इक्वल है, 3 रेस टू 16 मॉड 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मॉड 4, 1 मॉड 4 की वैल्यू आपको 1 होती है पता ही है, तो ये मॉड 4 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब देखो इसी पैटर्न पे एक और, मेरे को क्योंकि 3 रेस टू 16 पूछा गया था बच्चा इसके लिए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा है 12 रेस टू 12 का। अब देखो स्मार्टली इन चीज़ों को धीरे 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 आपको लास्ट डिजिट चाहिए है। ठीक है ना, तो देखो लास्ट डिजिट मतलब आपको मॉड 10 चाहिए, तो देखो 12 टू 12 मॉड 10 का रिक्वायरमेंट है। अभी इसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं, पहले मैंने 12 मॉड 10 निकाला। ठीक है, उसके लिए 2 आ रही है, तो क्या 12 इज इक्वल टू 2 मॉड 10 ये। ठीक है, अब देखो तुमको 2 की पावर 12 करना वैसे आसान है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इट, आई एम जस्ट सेइंग। ठीक है ना, क्या आप लोग 2 की पावर 6 भी कर सकते हो, 2 की पावर 4 2 की पावर 3 भी कर सकते हो, मतलब देखो 2 की पावर 5 भी कर सकते हो मुझे पता है, बट मैं अगर 12 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 मॉड 10 करना शुरू कर दूंगा तो बाद में की पावर लगा के मेरे को इशू आएगा। तो समथिंग मेरे को जो ये 12 चाहिए उसके फैक्टर में लेके आ रहा हूँ मैं, तो क्या करना है बोलो। 12 की पावर मैं 2 भी कर सकता हूँ, रुक जाओ, इसकी पावर 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ, बोलो क्या करना है? 3 बोल रहे हो कुछ बच्चे लोग, तो चलो ठीक है मैं 3 से कर लेते हैं। देखो 12 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 3 मॉड 10, 2 की पावर 3 यानी 8 होता है। ठीक है, तो 8 मॉड 10 मतलब 8 हो रहा है मेरा, तो 12 क्यूब इज इक्वल टू 8 मॉड 10। अब पावर 4 ले जाना पड़ रहा है, अच्छा वाला चूज नहीं किया अपन लोगों ने, एक काम कर जितना बड़ा अपने को मिल रहा है वो चूज कर लेते हैं अपन लोग, 6 डायरेक्टली चूज कर लेते हैं। ठीक है ना, की पावर 6 ये हो गया, 2 की पावर 6 मतलब कितना 2, 4, 8, 16, 32, 64, मतलब 12 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 64 मॉड 10, 64 मॉड 10 कितना होता है 4 होता है, 12 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 10। अब देखो इनका स्क्वायर भी कर सकता हूँ मैं, मतलब 12 की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 10 और 16 मॉड 10 इज 6, तो दिस विल एंड विद 6। समझे चीज क्या हुई है? अब देखो एक बार के लिए ये एक से रुक जाओ, मैं को बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब इसमें का एक क्वेश्चन अच्छा है ये वाला 17 की पावर 17। अब ये ऑड नंबर आ गया है ना, तुम स्ट्रेस मत लो यार, तुमको लास्ट डिजिट चाहिए ना, पहले तो 17 इज कॉन्ग्रुएंट 17 मॉड 10 इज 7, तो इम्प्लाइज होगा 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 10। मुझे स्क्वायर पता है ना, एक बार के लिए मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, 17 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 स्क्वायर मॉड 10 यानी 49 मॉड 10 मतलब 9 मॉड 10 चल रहा है। अब मैंने पावर कितना लेना शुरू किया बच्चा लोग इसका, एक बार और स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, तो देखो 17 स्क्वायर का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 का स्क्वायर मॉड 10 मतलब 81 मॉड 10 मतलब 1 मॉड 10। अब पावर 4 लिया मैंने,
ठीक है ना। तो 17 की पावर 4 की पावर 4 है 17 का 16 इज इक्वल टू 1 की पावर 4, मतलब 1 ही हो रहा है। देखो दोनों जगह पे 4 पावर कर रहा हूँ मैं, तो स्टिल 1 की पावर 4 इज 1 मॉड 10। अब 7 मल्टीप्लाई 7 इन 7 मल्टीप्लाई करना है 17 हो जाए इनटू 17 अब करना पड़ेगा। तो 17 के पावर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 मॉड 10, तो 17 की पावर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 10, मतलब इट विल एंड विद 7। ठीक है बेटा, 17 ना 17 तेरा ऑड नंबर, ऑड नंबर प्राइम नंबर हो गया था। तो तेरा जैसे अगर मान लिया अगर 15 होता तो मैं क्यूब करके फिर पावर 5 ले जाने का सोचता, 17 में कुछ स्कोप ही नहीं बचा था। मैं 16 पे लेके आ गया, फिर दोनों जगह पे सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 17 17, तो 17 का 16 इंटू 17 था, 17 का 17 हो गया था वो। अंशवी ये देख बेटा, 17 मॉड 10 की वैल्यू 7 थी, याद है क्या? ठीक था, ठीक है। तो ये हुआ था तेरा 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 10। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, 17 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 का स्क्वायर मॉड 10, विच इज 17 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 49 मॉड 10, विच मीन्स ये वाली स्टेप फिर आ रही है। फिर मैंने दोनों का स्क्वायर किया है, 17 स्क्वायर का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 का स्क्वायर मॉड 10, मतलब 17 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 81 मॉड 10, तो उसका आंसर 17 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10। फिर मैंने दोनों जगह पे बच्चा पावर 4 ले लिया है, और 17 4 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 4 मॉड 10, मतलब 17 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10। ठीक है, अब गाइस ये देखो, वन लाने की नहीं, जो चीज़ को पता हो जिसको तुमको निकालना आसान हो वैसा करने की। हाँ करेक्ट। अब देखो बच्चा लोग, हाँ हाँ 7 का स्क्वायर 49 आया था ना मेरे भाई, उसका मॉड 10, 49 का मॉड 10 9 हो जाएगा ना। अब बच्चा लोग ये देखिए प्लीज, आप लोगों को ना एडिशन मॉड्यूल है फालतू का चोचला है, ठीक है ना, कुछ नहीं। तुम लोग अभी तक क्या लिख रहे थे, मान लो 5+8 मॉड 2 लिख रहे थे ना, इसको चोचला समझ नया लिखने रहेगा 5+2 मॉड 8, 5+2 8। ये सर ये नीचे अगर ये बस ये मॉड 2 को हटाना है तुम लोगों को लिखने के, तो ये यहाँ लिख दो, वही कुछ नहीं किया। हाँ बस, हाँ मेरे को गुस्से में देखो, मैंने नहीं बनाया था, कुछ नहीं होगा, बस लिखने का दूसरा तरीका है, समझा, लैंग्वेज अलग है। हम बोलते हैं तू उल्टा लिखता क्यों लिखता था उर्दू में, भाई अलग अलग लैंग्वेज है बच्चा वो, ठीक है। देगा बस तेरे को, देख ये दे देगा भाई मेरे, देख हाँ समझ, ये दिया हुआ है तेरे को, ध्यान दे ध्यान 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 ठीक है, 4+9 12 ऐसा दिया हुआ है तेरे को। अच्छा तीसरी वाली का जाएगी कुछ नहीं, ये 4+12 मॉड 9, 16 मॉड 9 के लिए 7। हाँ मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरे को क्यों बोल रहे हो यार, वैसे ही तुम्हारा सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो भी है और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी है, उसका जो फंक्शन डिफाइंड है फंक्शन को देखो ही मत, ठीक है ना, कि वो कब a+b मॉड m हो रहा है, कब वो a+b की वैल्यू हो रही है, वो तुम इतना स्ट्रेस मत हो उस चीज़ पे। समझा ये चीज़ क्या हुआ है बेटा, ये वाला पार्ट उसमें ख़त्म होता है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन करो। फिर आके बताएगी ना उरली वो लोग ना, ये वाला फंक्शन पार्ट नहीं है तुम लोगों को, गलती होगी बच्चों लोगों को, तो अगली बार अपन डांटेंगे उनको, टेंशन मत। हाँ मुझे पता है, मैं पहले तुम लोगों को वो वाला कर रहा हूँ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले, आई एम नॉट श्योर, शांति। कल स्कूल की छुट्टी है ना, गुड। कल स्कूल की छुट्टी है, कल रिवीजन हो रहा है मॉर्निंग में, ठीक है बेटा, कल रिवीजन है बेटा मॉर्निंग में, जो स्कूल जा रहे हैं, हाँ ठीक है, कल मॉर्निंग में रिवीजन है बेटा,
जो स्कूल जा रहा है उसका रिविजन मिस होगा। तुम सैटरडे तुम वैसे ही स्कूल जाके कुछ उखाड़ते तो हो नहीं। तो ठीक है ना, तो चलो ओए ओए शांत ध्यान दो अभी। ओए बेटा प्लीज 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 ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो यार। अब देखो तुम्हारे को स्ट्रीम्स और बोर्ड्स का सिंपल एक बार कंसेप्ट बता रहा हूँ, हमारे टेंथ में भी था बेटा। अपन लोग इसने बोट की स्पीड एंड स्टिल वाटर कुछ मान लेते हैं। अपन ने जब लास्ट टाइम किया था ना, अपन ने आर डी शर्मा से किया था उसको, तो वी ए वी बी लिया हुआ था अपन ने, पर याद नहीं होगा आई एम होपिंग सो। तो इसलिए कुछ नहीं, स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर कुछ मान लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो कुछ मान लो। स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर अगर एक्स है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर वाई है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड मतलब अगर बोट नीचे आ रही है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी, अगर बोट तुम्हारी ऊपर चढ़ रही है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, हाँ बच्चा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपन ने मन से बनाया हुआ यू वी एक्स वाई। तो डिक्लेयर कर रहा है कि मेरा अल्फा है अपस्ट्रीम और बीटा है डाउनस्ट्रीम की स्पीड, तो वो भी चल जाएगा, ऐसा कोई उसमें ये स्ट्रेस नहीं है। यहाँ के यहाँ तक देखिए शाह ने रीति है क्या, हाँ एक समझ जाएगा। चलिए अभी ये देखो, अभी गाइस एक वो मीत का ऑडियो कनेक्ट हो जान दो। यस अब बच्चा लोग प्लीज समझिए, आयुषी जान अच्छा, अपन लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, मान लो अपन लोग यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में भी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स मानेंगे, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई मानेंगे। तो मेरा अगर डाउन स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मेरी स्पीड एक्स प्लस वाई हो जाएगी, अप स्ट्रीम कर रहा हूँ तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप लोगों को जस्ट एक ये बता दे रहा हूँ मैं, अगर ये पता हो तो फ़ायदा हो जाता है, नहीं पता हो तो कुछ नहीं चल जाता है। तुम लोगों को ये क्वेश्चन तुम्हारे ये जो कैट वैट या फिर तुम्हारे जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना उसमें आ सकते हैं। क्या दिया हुआ है बेटा, नंबर तो नहीं 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 मेरे भाई रुचा। देखो तुम लोगों को अगर मान लो मैंने डायरेक्टली दे दिया है तुम्हारी कहते अपस्ट्रीम की स्पीड दे दिया है, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे दिया है, अब तुमको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम मांग रहा हूँ, तुम निकाल सकते थे। देखो तुम्हारे को क्या डेटा, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, तुमको डाउन स्ट्रीम की स्पीड मैंने 12 दे दिया है, अपस्ट्रीम की स्पीड कुछ मैंने तुमको 8 दे दिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब तुम लोग को स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मांगा हो, तो तुमने मुझे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y, तो बेसिकली तुमको ये पता है x प्लस y की वैल्यू 12 है, x माइनस y की वैल्यू तुम्हारी 8 है, ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल फट से सॉल्व करना तुम्हें आता है। 2x की वैल्यू 20 हो रही है तो x की वैल्यू 10 हो जा रही है, 2y की वैल्यू तुम्हारी 4 हो रही है तो y की वैल्यू तुम्हारी 2 हो जा रही है। तुम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, यही तुम्हारे को ओरली करना है। तुमको अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करोगे ना, ये प्लस ये अपॉन 2 करोगे तो स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी, और डिफरेंस अपॉन 2 करोगे ना, 12 माइनस 8 अपॉन 2 करोगे तो तुम्हारी स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। नहीं मैं करने ही नहीं वाला हूँ, ठीक है ना, टाइम वाइम भी आएगा, क्वेश्चन आएंगे। ये देखो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा एट दिस मोमेंट ये चीज़ों को इग्नोर करो, फॉर्मूला को, ठीक है ना। तुम जब भी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पढ़ते रहोगे तब करोगे, वो अलग चीज़ है, अभी के लिए इस चीज़ को इग्नोर करते रहो, फाइन। अब आगे देखिए बच्चा लोग, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसके। अब बोट कैन रोट अपस्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम, ये फाइंड द बोट स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम का स्पीड। देखो ये वो वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाय 2 तुम्हारी स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी, सम डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा है इसका, 14 हो रहा है, तो ये बोट की स्पीड हो रही है, एंड डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 तुम्हारी स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 ये स्ट्रीम की स्पीड। बट मैं तुमको मना कर रहा हूँ अभी रटने के लिए, तो तुम लोग क्या करोगे, लेट स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर बी x, स्ट्रीम बी y, तो x प्लस वाई कितना हो रहा है तुम्हारा डाउनस्ट्रीम 18, अपस्ट्रीम कितना हो रहा है तुम्हारा 10, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व किया, x की वैल्यू 14 आई, y की वैल्यू 4 आ गई। ये इतना सा समय बचाने के चक्कर में एक गलत फॉर्मूला याद करके चले जाओगे गलती से, इशू आ जाएगा, इसलिए फॉर्मूला याद करो ही मत, ठीक है, यानी अभी के लिए। तुम्हारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन से तुमको जैसे तुम्हारे ट्यूशन वाले करवाएंगे वो अलग चीज़ है। अब ये देखो, अब ये फुद्दू चीज़ें शुरू हो गई अपनी। अ मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। अब देख लो, अपन लोगों को अपस्ट्रीम 25 है, ये डाउनस्ट्रीम इतना दिया हुआ है, मैंने मान लिया स्पीड ऑफ बोट x है और स्पीड ऑफ कहते हैं स्ट्रीम y है,
मेरा डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई हो जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई हो जाएगी। 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इस स्पीड कितनी है मेरी डाउनस्ट्रीम की एक्स प्लस वाई, टाइम कितना लगा मुझे 5 घंटे लगाए, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 5। 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम उसकी स्पीड है एक्स माइनस वाई, टाइम तब भी कितना लगा है 5, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई है 3। तो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 1 आ रही है। किलोमीटर पर आवर लिखना बेवजह का आता मार्क कर जाए तो। अब देखो गाइस, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट एंड ऑफ करंट इज ये। तो देखो अभी मैंने मान लिया लेट स्पीड ऑफ बोट बी 36x, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा मेरा 5x। तो मेरे अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी मेरी 31x, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी मेरी 41x। यहाँ तक कोई इशू है किसी को? अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलोंग विद द करंट। अलोंग विद द करंट मतलब डाउनस्ट्रीम जैसा हो रहा है, ठीक है ना, इन 5 आवर्स 10 मिनट्स। अब सुनो, तो 5 आवर्स 10 मिनट्स दिया हुआ है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। 5 आवर्स 10 मिनट्स को अपन लोग आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 आवर्स प्लस 10 मिनट्स मतलब 1/6 आवर्स, तो ये हो जाएगा कितना 31/6 आवर्स। तो ये अपने को 31/6 दिया हुआ है आवर्स। तो देखो अपनी क्या है, अलोंग यानी कि डाउनस्ट्रीम चल रहा है अपना, अपने को स्पीड पता है, अपने को टाइम कितना दिया हुआ है 31/6, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो रहा है स्पीड इंटू टाइम हो रहा है, तो 31/6 × 41x। बट मुझे उसने ये नहीं पूछा, उसने मुझे पूछा है बताओ कितना टाइम लगेगा इतना ही डिस्टेंस वापस से आने के लिए। तो अब देखो, अब मेरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 31/6 × 41x, मेरा स्पीड अब अपोजिट टू करंट आ रहा हूँ तो मेरी स्पीड हो जाएगी 31x, तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाय ये करोगे कटेगा कटेगा, 41/6 आ रहा है आंसर। डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे 31 × 41x/6 डिवाइड बाय 31x करोगे, तुम्हारा 31x कट जाएगा, 41/6 आवर्स आ जाएगा, जो भी उससे आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, दिस वाज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, ये सिंपल वाला है, ये तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पैटर्न का है। एक बोट 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 37 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स कर दिए। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई, डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई अगर है। तब देखो 36 अपस्ट्रीम प्लस 32 अपस्ट्रीम प्लस 36 डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स, देखो ये टाइम फॉर अपस्ट्रीम है, ये टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम है। फिर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। याद है 1/x − y को a लेना, 1/x + y को b लेना, तो 32a + 36b = 7, 40a + 48b = 9। तो इक्वेशन दो वेरिएबल से a और b आएंगे। मान लो मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, a की वैल्यू मेरी 1/3 आती है, b की वैल्यू मेरी 1/5 आती है, मतलब क्या हो गया, 1/x − y की वैल्यू 1/3 मतलब x − y की वैल्यू 3, 1/x + y की वैल्यू 1/5 मतलब x + y की वैल्यू 5 आ रही है। समझाई चीज़ें क्या हुई है, ये एग्जांपल नंबर 4 आप लोगों का। अब बच्चा लोग एक ये छोड़ो, ये फालतू के यानी छोड़ा ना, वो फॉर्मूला जो दिए हुए उस पर दिमाग मत लगाओ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h, इफ इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग, कुछ भी दिया हुआ है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मुझे पता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को कुछ वाई या एक्स मान लो, क्या मानना है अपन, वाई मानना है, ठीक है। तो अपना देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड इतनी हो जाएगी 12 + y, अप स्ट्रीम की स्पीड इतनी हो जाएगी 12 − y। इफ इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज अपस्ट्रीम टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, तो टाइम अपस्ट्रीम इज 2 times टाइम डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस अगर मान लो कुछ भी मेरा d था, तो d अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी है मेरी 12 + y, 2 times डाउनस्ट्रीम के लिए भी डिस्टेंस उतना ही है, ऐसा नहीं अपस्ट्रीम था माई बात, ठीक है ना, हाँ, अपॉन 12 + y हो जाएगा। d कट जाएगा इधर उधर करोगे, 12 + y = 24 − 2y, इधर उधर किया 12 = 3y, तो y की वैल्यू 4 आ रही है उससे। समझा बच्चा, उठ जा प्लीज, ये एग्जांपल नंबर 5 है। अब गाइस एग्जांपल नंबर 6 देखिए, अ मैन कैन स्विम अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2, तो मैं बोट की स्पीड x मान रहा हूँ, तो डाउनस्ट्रीम मेरी x प्लस 2 हो जाएगी, अपस्ट्रीम मेरी x माइनस 2 हो जाएगी। अब देखो, अ मैन कैन स्विम थ्री डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न बैक द सेम इन 6 आवर्स, तो देखो
पहले अगर मेरा डिस्टेंस मैंने डी माना भी खेले कुछ, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, डिस्टेंस डाउन से स्पीड है मेरा x प्लस टू, ठीक है, और दूसरे वाले में से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड कितना है मेरा 6, अपस्ट्रीम कितना है मेरा x माइनस टू, दोनों डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस टू इधर 6 इंटू एक्स माइनस टू, ये इक्वेशन आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे 2x माइनस फोर, तो x की वैल्यू कुछ अपनी 6 आ रही है, समझे जी क्या हुई है। अरे इंसान बोटिंग नहीं कर रहा था बेटा, मोटर लगा हुआ था उसके बोट पे, वैसा है मान ले, ठीक है ना, वो धूम मचा लेक में था ना, एक वो बटन दबा था नाइट्रो बूस्ट निकलता वैसा लगाया हुआ, तो कितनी टेंशन मत ले बच्चा प्लीज गाइस शांत। अरे अब ध्यान दे बच्चा लोग, देखो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाए एवरेज स्पीड का, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, वरना बेवजह आप लोगों को बहुत मजदूरी मेहनती करना पड़ जाएगा हरकत है। अगर आप लोग कुछ डिस्टेंस जाके इक्वल डिस्टेंस वापस से आ रहे हो, तो आप लोगों की एवरेज स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम इनटू अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड इन स्टिल वाटर। तो अगर मान लो स्पीड ऑफ बोट x है, स्पीड ऑफ कहते हैं स्ट्रीम y है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x प्लस y, अपस्ट्रीम की कितनी हो जाएगी अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो जाएगी x। अब प्लीज़ ये मत पूछना ये कटता नहीं है क्या, बड़े हो गए तुम लोग, ठीक है ना, मैं बोला बेटा, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, डाउनस्ट्रीम इनटू अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी, और ये तभी होगी अगर जितना गए हो उतना ही वापस से आ रहे हो। तो ये एग्जांपल नंबर 7 देखो, आपको एवरेज स्पीड ढूंढना है, एक राउंड ट्रिप है ना जाके आया है, वो 20 किलोमीटर अपार्ट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना, इधर स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर इज 10 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5, ठीक है ना, और डाउनस्ट्रीम कितना हो गया 15, अपस्ट्रीम कितना हो गया 10 - 5, 5, स्टिल वाटर कितना हो गया मेरा 10, तो 15 इंटू 5 अपॉन 10, 1 - 2 = 7.5 किलोमीटर पर आवर। क्या बचा डिस्टेंस से, नहीं डिस्टेंस का तो डेटा में है ही नहीं ना, और जब तेरे को आता है तू एवरेज स्पीड जब निकालता है, सुन एवरेज स्पीड जब निकालता है ना, तो तेरा डिस्टेंस और डिस्टेंस आखिरी में कट जाता है वाला, डेरिवेशन में तेरे को है बट मैं करा नहीं रहा हूँ। अच्छा डिस्टेंस अगर सेम नहीं हो तो 20 जाके 15 करा रहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएगा, तो फिर तेरे को जाने का टाइम निकालना पड़ेगा, तेरे को आने का टाइम निकालना पड़ेगा, तो दैट विल बी टोटल टाइम, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा तेरे को, ठीक है ना डाई शांत शांत। अब ये देखो, अ मोटर बोट कैन रो एट स्पीड ऑफ ये इन स्टिल वाटर, इधर रिवर इज फ्लोइंग एट ये, तो देखो इससे मेरे को इतना समझ में आ गया है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 12 चल रही है, अपस्ट्रीम की स्पीड कुछ 8 - 4 मतलब 4 चलने वाली है, इट टेक 16 आवर्स फॉर अ राउंड ट्रिप, तो डिस्टेंस बताओ, जाके आने का टाइम आपको कितना दिया गया है 16 दिया गया है, ठीक है, टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम तुमको 16 दिया गया है, टाइम अपस्ट्रीम मतलब डिस्टेंस अगर मान लो डी है, तो डी अपॉन 4 प्लस डी अपॉन 12 इज इक्वल टू 16 दिया गया है, कर लोगे अगर सॉल्व, जाके आने का टाइम देखो 16 घंटे दिया गया है, ठीक है, ये बेटा स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम दोनों ऐड हो गए, अपस्ट्रीम दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, टाइम अपस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन टाइम अपस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम, टाइम डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया इसी को 16 दिया गया था। सिमिलर पैटर्न पे आप लोगों का एग्जांपल नंबर 9 है, अ बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन द स्टार्टिंग पोजिशन 3 आवर्स, ठीक है, तो डिस्टेंस मेरे को दिया गया है, इफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, ये ठीक है सिंपल सा है, ये वाला फॉर्मूला तुमको करवाया नहीं, करना भी नहीं है, ठीक है, देखो अब ये क्या दिया गया है बच्चा लोग, तुमको स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम तुम्हारे को 3 दी गई है, डाउन स्ट्रीम तुम्हारी x प्लस 3 हो जाएगी, अपस्ट्रीम तुम्हारी x माइनस 3 हो जाएगी। अब देखो तुम्हारा क्या दिया गया है, 12 किलोमीटर गया है नीचे, तो ये हो गया है x प्लस 3, फिर वापस से आया है x माइनस 3 इन कितना है 3 आवर्स, क्वाड्रेटिक बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे तुम लोग, एग्जांपल 9 हो गया बच्चा लोग। अब एग्जांपल नंबर 10 देखिए, लास्ट एग्जांपल, अ स्विमर हु स्पीड इन स्विमिंग पूल में पानी डोलता नहीं है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर जैसी हो गई है, वो है स्विम्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रिवर एंड रिटर्न बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बेटा ऐसा में पे क्या हो रहा होगा, एक बार वो अपस्ट्रीम गया होगा, एक बार डाउनस्ट्रीम गया होगा,
ही टुक 10 मिनट्स मोर टू कवर डिस्टेंस अपस्ट्रीम देन टू कवर डाउनस्ट्रीम. तो टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम 10 मिनट्स यानी 1/6 आवर्स दिया गया है. तो अगर मेरा डिस्टेंस अभी के लिए मैं कुछ डी मान लूँ, ठीक है, तो मुझे देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम तुमको 4 दी गई है, तुम्हारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड 6 हो जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड तुम्हारी 4-2 हो जाएगी. तो ये माइनस ये इज इक्वल माइनस ये इज इक्वल टू 1/6. समझाए चीज पक्का? दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे. जैसे 5 ही मिनट बचे हैं तो आई वुडंट रश टू कहते ये मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, बट टुमारो. अब एक समझो, एक समझो क्या गाइस, अब मुझे पर रियलिस्टिकली बताओ, तुम लोगों को स्कूल जाना कंपलसरी है क्या? जो लोग छुट्टी नहीं मार सकते क्यों नहीं मार सकते? हाँ बाद में कब रुकेंगे? क्यों तुम? चलो ठीक है, वेट. व्हेन अर्लीस्ट कैन यू कम फॉर द क्लास? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, एक जाओ तुम लोगों का फिर वो भी है, क्या क्या है वो, मेरी दूसरी क्लास है बच्चा, मेरा 11th का भी है, मेरी एक जाओ. हाँ मेरे को 1.5 घंटे का लेना पड़ेगा सेशन नियरली. ठीक है चलो डन हो गया. हाँ कल फिर अपन लोग मॉर्निंग का रखेंगे, मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगा. ठीक है प्लीज़ गाइस, देखो अब रिविजन अगर कर रहे हो, दो ही कराया है, एक्सरसाइज करो नहीं करो, एग्जाम्पल्स करके आ जाना बेटा, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा यहाँ पे 1 घंटा बर्बाद करने का. ये बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करूँगा कुछ भी हो जाए मेरा 1.5 घंटे में. हाँ नहीं नहीं अर्ली मॉर्निंग नहीं रहेगा गाइस, एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं रहने वाला है, 12 बजे के आसपास रख लेंगे. उसके पहले मेरा बच्चे में बातचीत है ना फिर बेटा लगातार, और फिर तुम्हारा VPA या फिर तुम्हारा कैप नहीं वो, अरे तुम्हारा CLVL रहता ना फिर बेटा. मेरे तो रहते ना, मेरे 4 बजे से जो सेशन 3 बजे से 4 का रहता है, मैं 4 से 5 का सेशन जो खाली था उसमें मैंने 11th का रखवा दिया एक्सटेंड करा के, और फिर मेरे इसका भी है, 9th का भी है, 10th का भी है, 8th का भी है, इसके लिए तो वो टाइमिंग आ जाएगा, 1.5 आवर का रहेगा. आप लोगों से प्लीज़ जेन्युइनली रिक्वेस्ट है, आप लोग इसका होमवर्क करके आना, और होमवर्क में क्वेरीज अगर रहे तो क्लास के लिए मत रुकना, मेरे को तब की तब भेजने की कोशिश करना, और प्लस किसी और को कुछ और रैंडम अगर पढ़ना है तो मैं होपफुली कल 12 के पहले पढ़ा सकता हूँ, जो लोग छुट्टी मार रहे हैं. कुछ रैंडम पढ़ना जो अभी इसमें नहीं है या कुछ भी और हो तो मुझे बोल दीजिएगा. ठीक है चले गाइस, आई विल सी यू टुमारो.